नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग जो भारत के अंतर्गत जो प्रमुख राज्य हैं और यहाँ से बनने वाले जो प्रमुख क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पीटी एग्जाम में ये जनरल अवेयरनेस का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है? सेकेंड नहीं, थर्ड टॉपिक है। हम लोग सेकेंड वीडियो में इसको कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही आसानी से यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है और ये प्रश्न आपको छूटे ना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो 9 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। वीडियो बहुत ही शानदार रहा, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। आप लोग यहाँ पे जो आई बटन है, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? कंटेंट बहुत ही अच्छा है और ये भी कंटेंट जो है ये काफ़ी शानदार है, रिसर्च करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखा है, आप सभी लोग इसका जो पीडीएफ है ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। देखिए, भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। भारत के जो राज्य हैं, पहले तो राज्यों का जो गठन है, यहाँ के जो भाषाएं हैं, ठीक है? इसके बाद में इसकी जो राजधानी हो सकती है और करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और ये जो प्रश्न है ये बेसिक लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक है? मतलब कि जो अगर पेपर आसान बनाना होगा तो पूछ लेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग मार्क कर देंगे ईटानगर है। लेकिन अगर पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट या फिर टफ स्तर पर ले जाना होगा तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और डिटेल पूछ सकता है, जैसे इसका गठन कब हुआ था। तो इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। 28 राज्य हैं, 28 राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि 28 राज्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको दिया जाए, थोड़ा डिटेल डेटा आपको दिया जाए, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों से दो चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहला डिमांड ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर, कंटेंट अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? ताकि मोटिवेशन मिले कि हाँ, इस पर मुझे काम करना है, लोगों को अच्छा लग रहा है, छात्रों को अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो देखिए, हम राज्यों की जो राजधानी है, मुख्यमंत्री है और जो राज्यपाल है, इसका लिस्ट पहले चेक कर लेते हैं। ये जो लिस्ट है ये 15 अगस्त तक का अपडेटेड लिस्ट है, ठीक है? तो 15 अगस्त तक जो भी अपडेटेड मटेरियल है वही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? इसमें जो राज्यपाल का सेक्शन है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी लोग पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ के जो राज्यपाल हैं वहाँ से प्रश्न डाल देता है, ठीक है? जैसे पूछ लेगा तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, छत्तीसगढ़ के कौन है, ठीक है, इसके बाद में जो है कर्नाटक के कौन है, केरला के कौन है, गोवा के कौन है, तो वहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में। और हम लोग क्या करते हैं, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार पे ही बिजी रहते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग जितने भी 28 राज्य हैं, इनके जो प्रमुख राज्यपाल हैं, इनके जो नियुक्त राज्यपाल हैं करंट टाइम में, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? बाकी मुख्यमंत्री का डेटा आप लोग देखते चलें, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अब इसको याद कैसे किया जाए, तो राजधानी आपको पता होगा। राजधानी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, सभी को पता होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग निमोनिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक, आप अपना शॉर्ट ट्रिक बनाएं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद करने के लिए, ताकि ये भूले ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक पर एक अलग से वीडियो में ला दूँ, तो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था शॉर्ट ट्रिक पे, तो वो वीडियो में कॉपी करके या फिर पुनः उस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दूंगा। बहुत ही आसानी से उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़, ये लिस्ट आपको याद रखना है और जितना भी यहाँ पे दे रखा है आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लोग नोट्स पे इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है? पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल हैं ये अपडेट हुए हैं, ये सीवी आनंद बोस हैं। तो इसको मैंने हैंड रिटन के हैंड रिटन कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे पुराना डेटा लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और सब जो हाईलाइटेड है ये सब अपडेट किया गया है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी ये जो डेटा है ये 25 जून तक का अपडेटेड है, ठीक है? इसमें
भी आप ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें जो मुख्यमंत्री हैं और जो उपराज्यपाल हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अंडमान निकोबार का ये जो राज्यपाल है एडमिरल डी के जोशी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, लद्दाख का बी डी मिश्रा, चंडीगढ़ के जो है ये बनवारी लाल पुरोहित हैं, पुदुचेरी के डॉक्टर टी सौंदरराजन है और दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना है। ये लिस्ट आप 100% याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये राजधानी भी आप सभी लोग चेक कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए और चीज़ें क्या क्या आपको पढ़नी है, और आपको ये जो भारत का मैप है इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए एक होता है जो पहले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो भारत का राज्य है, ये जो भारत के जितने राज्य हैं इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नेपाल का जो बॉर्डर है ये भारत के किन किन राज्यों से लगता है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। पाकिस्तान का जो बॉर्डर ये भारत के किस राज्य से लगता है, भूटान का किससे लगता है, बांग्लादेश का किससे लगता है, म्यांमार का किससे लगता है, ठीक है, चाइना का किससे लगता है, अफगानिस्तान के बारे में हमने बात की थी कि पीओके में 8 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, डूरंड लाइन के माध्यम से। ये सारी चीज़ें पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, आप सभी लोग उस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे आई बटन पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना। अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको जो भारत के अंदर की स्थिति है इसके बारे में पढ़ना है। अब भारत के अंदर जो राज्य है ना, ये राज्य किस अन्य राज्य के अंतर्गत अपनी सीमा साझा करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश अन्य किस राज्य से अपना सीमा साझा करता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है तो इसको हम लोग वहाँ पे चेक कर लेंगे। बाकी आप लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेना। एक राज्य दूसरे राज्य से किन किन राज्यों से होके सीमा को साझा करता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत के अंदर के राज्य हैं इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। ये जो मैप है इसको आप लोग समझ लें, अच्छे से समझ लें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मैप से भी डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, यही कहने का तात्पर्य है, इसलिए मैप को यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट चीज आपको ये देखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन का जो लेवल है ये इजी ना करके अगर मॉडरेट कर देता है, ठीक है। देखिए इजी होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है, 3 लेवल का प्रश्न पूछता है, तो इजी हो सकता है ना पूछे क्योंकि तीसरी बार पीटी का एग्जाम हो रहा है, तो मॉडरेट या फिर हाई डाल सकता है। तो यहाँ पर हम जितने राज्य हैं इनके बारे में, इनका जो गठन है इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट स्तर का बन जाता है। 28 राज्य है, 28 राज्य के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आप सभी लोग इसको देखते चलें, हमारा भी उद्देश्य है कि आपका टाइम ना वेस्ट किया जाए, कम समय में सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जाएं, ठीक है। देखिए भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी को पता होगा। हालांकि आज़ादी से पहले भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, इसके बाद में 14 राज्यों का गठन हुआ आज़ादी के बाद में, इसके बाद में 29 राज्य और इस टाइम पे 28 राज्य हैं, ये पूरी हिस्ट्री रही, ठीक है, कैसे कैसे होके 28 राज्य हमारे पास आए हैं इसकी। इसके बाद में आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद में हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर, ये 3-4 जो राज्य रियासतें थी ये छोड़कर, और बाकी जो 562 थी ये तो मिल गई थी, लेकिन इन पे हम लोगों ने सैन्य कार्रवाई या फिर बातचीत के माध्यम से इनको अपने आप में मिलाया था। तो हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर, ये जो रियासतें थी ये इन विलय होने से मना कर रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान रहा था इन रियासतों को एकत्र करने में, भारत के उसमें भारत के क्षेत्र में विलय करने में काफ़ी अच्छा योगदान रहा था वल्लभ भाई पटेल जी का। इसके बाद में अब हम करते हैं स्टार्ट जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1948 में ये आया था इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इसका विलय किया गया था। इस राज्य के राजा जो थे ये हरी सिंह थे, यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है, हरी सिंह यहाँ के राजा थे, इन्होंने विलय होने से इनकार कर दिया था। पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम की ज़्यादा थी, ठीक है, तो और ये हिंदू राजा थे तो इन्होंने विलय होने से मना कर दिया। इसके बाद में इंडिया अलग देश बना और ये अपनी इंडिपेंडेंस अलग मान के चलते थे, और इधर कश्मीर हो गया, ये इधर पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान ने इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, अब पाकिस्तान ने जब इस पे अटैक कर दिया तो यहाँ के जो राजा थे भागे भागे यहाँ पे आए, इंडिया पे आए, इंडिया पे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे से बात है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है ये अटैक कर दिया, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना आप में जाना चाहते थे ना आप में जाना चाहते थे, लेकिन ये तो पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान अटैक क्यों किया था, पाकिस्तान कह रहा था कि भैया यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारे में आना चाहिए। तो हरी सिंह चाहते थे कि ये स्वतंत्र रहे, लेकिन जब ये स्वतंत्र नहीं रहे, पाकिस्तान ने इन पे अटैक कर दिया और इनकी सेना आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो ये इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगी और इंडिया से जो फोर्स थी वो गई और यहाँ पे इसको स्वतंत्र कराया। लेकिन तब तक जो कुछ हिस्सा था ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, जिसको आज के टाइम पे हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी, और
अब देख लीजिए, इसको मैंने शॉर्ट में आपको डिटेल्स में बता शॉर्ट में आपको बता दिया है। इस राज्य के जो राजा थे ये भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। 1956 में जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय होने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अब यह राज्य विभाजित हो गया और अगस्त 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसके बारे में लास्ट में मैंने एक लिस्ट बना रखा है, ठीक है, उस लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है, तो आप लोग टेंशन ना करें, टेंशन ना लें, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग जान लें, ठीक है। 2019 में इसको जो है डिवाइड किया गया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित बनाया गया प्रदेश बनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश देखिए ये तो आप समझ लें ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है, तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। 1950 में उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो अवध और आगरा क्षेत्रों को जोड़कर बनाया गया था। तो ये 1950 में इसको संगठित किया गया और इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है। एक डेट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, वो डेट है 24 जनवरी का, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, तो जो PDF मैं दूंगा उसमें 24 जनवरी को यहाँ पे अपडेट करके तभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का संगठन किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बिहार, तो बिहार इस राज्य का गठन अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 को किया गया था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला, ठीक है। 2000 में इसे विभाजित किया गया था और झारखंड नाम से एक नया राज्य बनाया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया और 2000 में इसको विभाजित किया गया था, तो ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आसाम की तरफ, तो आसाम को जो है 1912 में ब्रिटिश शासन के तहत इसे आसाम प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था, मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात है, 1912 में इसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद में ग्रेटर आसाम में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल थे पहले के टाइम पे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला आसाम को, ठीक है। तो आसाम का जो डेट आपको याद रखना है ये 26 जनवरी 1950 को, ओके, बिहार के टाइम पे 26 जनवरी 1950 बिहार का भी यही डेट है। इसके बाद में उड़ीसा में 1950 में उड़ीसा अस्तित्व में आया। 1950 में ज्यादातर राज्य हैं जो कि अस्तित्व में आए थे, 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया, पहले इसका नाम उड़ीसा था, यहाँ पे देख रहे हैं ना उड़ीसा लिखा हुआ है, इसके बाद में इसका नाम उड़ीसा कर दिया गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। अभी राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें, मे भी अगर क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट कर देता है तो यहीं से प्रश्न बनेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तो पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंट को 1950 में एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया और 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो 1950 में ये गठित किया गया था जिसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, ठीक है, क्या हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था, और 1969 में इसका जो नाम है ये तमिलनाडु कर दिया गया, तमिल भाषा ज्यादा बोली जाती थी तो तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसको 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा दिया गया। अलग राज्य बनने से पहले यह मद्रास का ही हिस्सा हुआ करता था और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग कर तेलंगाना बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, ये लोग आप ये दोनों याद रखना। 2011 में उड़ीसा हो गया था, ये याद रखना। ऐसे ऐसे जो हाईलाइटेड चीजें हैं ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 1956 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, और यहाँ पर जो जिला पन्ना जिला है ये हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखेंगे। 2000 में इसे विभाजित किया गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है ये कब हुआ था, ये 2000 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे मिस हुई हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर डेट का, तो इसको मैं एक बार PDF फिर से चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें मिस लग रही हैं, थोड़ा सा मैं भी इससे अनकम्फर्ट हो रहा हूँ, तो कुछ चीजें मैं एक बार फिर से अपडेट करूंगा इसमें, और अपडेट करने के बाद में फिर आपको PDF दूंगा, आप लोग टेंशन ना लेना। बाकी इसमें चीजें ऐसा नहीं कुछ गलत है, चीजें कुछ गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 8 के बाद यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट ही गलत है एक्चुअल में। यहाँ पे 8 के बाद में 9 यहाँ पे होना चाहिए था, मध्य प्रदेश के बाद में केरल पे 9 होना चाहिए था, और यहीं पे ये चीज देखिए 9 हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मुझे सही करना होगा। फिर हम बात करें केरल की, तो केरल 1956 में अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 में यह अस्तित्व में आया था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 1973 में इसका नाम जो है ये कर्नाटक कर दिया गया था, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। 1973 में इसका नाम कर्नाटक किया गया था और 1 नवंबर 1956 में ये अस्तित्व में आया था। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र जो है पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, पहले बॉम्बे प्रांत बोलते थे इसको, ठीक है, और बॉम्बे प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे। 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया और दोनों राज्य जो है अस्तित्व में आए थे, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य जो है वो 1 मई 1960 को अस्तित्व में आए थे।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात की बात यहाँ पे हो रहा है, तो गुजरात भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मई 1960 को ये जो है अस्तित्व में आया था। इसके बाद में बात करते हैं नागालैंड, तो इस राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ और ये आसाम से अलग हो गया था। 1912 में जो अंग्रेजों के द्वारा आसाम प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, आसाम प्रांत बनाया गया था, उसमें नागालैंड भी था, तो 1963 में नागालैंड को आसाम से अलग कर दिया गया। ठीक है ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पंजाब, तो पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है, आप सभी को पता होगा 1966 में हरियाणा इससे अलग हुआ है, और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी बनाई गई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश 1971 में अस्तित्व में आया, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। मणिपुर की अगर हम बात करें तो 1947 में भारत के साथ आज़ाद हुआ था, और 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम इसी राज्य की रहने वाली हैं, तो ये मणिपुर जो है ये पूर्ण राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया था, ये आप याद रखेंगे। मेघालय के बारे में देख लीजिए, तो मेघालय का गठन 1970 में आसाम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में किया गया था, 21 जनवरी 1972 को यह अलग से राज्य बनाया गया। त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था, 1972 में यह 1972 तक यह केंद्र शासित रहा, और बाद में इसको जो है स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। सिक्किम के बारे में देख लीजिए, यह दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पहले छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो गोवा जो है जो जो कि सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सिक्किम ही आता है दूसरे नंबर पे, तो सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है, और यह लोकप्रिय रूप से भारत के जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में विलय किया गया। बात करते हैं गोवा का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है। गोवा राज्य का गठन जो है ये 30 मई 1987 को हुआ था, काफ़ी लेट से ये गोवा राज्य बना है, पहले इसके पहले ये पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में था, और इसके बाद में 1961 में इसको जो है भारतीय सेना द्वारा मुक्त कर दमन और दीव के साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और बाद में जो है 30 मई 1987 को ये पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और 1987 में ईटानगर के साथ में यह भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना। ऐसे ही मिजोरम आप चेक कर लीजिए, 20 फरवरी 1987 को इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, ये आपको याद रखना। ठीक है। छत्तीसगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के एक हिस्से के रूप में अलग हो गया था, याद रखेंगे आप लोग। झारखंड, अब ये तीनों राज्य चारों राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य की लिस्ट में आते हैं, जो कि बाद में बनाए गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों राज्य जो है ये 2000 में बनाए गए थे। ठीक है। और झारखंड को जो है बिहार से अलग किया गया था। ठीक है। और छत्तीसगढ़ को कहाँ से अलग किया गया था, यहाँ पे मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है। जो मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा था इसको हमने अलग किया था, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को हमने उत्तर प्रदेश से अलग किया था, तो उत्तराखंड को पहले हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया, यह भारत का 29वां राज्य बना था, इसे आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों को लेकर बनाया गया है, और 2 जून 2014 को इसको पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया। 2 जून 2014 को इसको पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया, यानी कि ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है। अब ये 29वां राज्य था, लेकिन बाद में जब हमने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित घोषित किया तो इसके बाद में ये 29वां था उस टाइम पे, लेकिन अगर हम बात करें तो ये 28वां हो गया फिर बाद में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। फिर अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये लिस्ट आप लोग याद रखना, यहाँ से भी एक नंबर बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आप लोग देख लीजिए, इसमें ये जो दादरा और नगर हवेली है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में लद्दाख भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में आए अस्तित्व में आए थे। दादरा नगर हवेली जो है ये 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जम्मू और कश्मीर जो है ये, इसकी दो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो श्रीनगर है, और शीतकालीन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है, ये भी आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आप लोग और दोनों ऑप्शन देगा। ठीक है। तो श्रीनगर आप मार्क करेंगे, शीतकालीन पूछता है तो जम्मू कश्मीर मार्क करेंगे। ठीक है। और अगर हम इसके अस्तित्व की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको अस्तित्व में लाया गया था, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। ठीक है। इसके बाद में आप लद्दाख को देख लीजिए, लद्दाख की राजधानी जो है ये लेह है, और 31 अक्टूबर 2019 को ये भी जो है अस्तित्व में आया था, दोनों सेम डेट पे है। दो पॉइंट और याद रखेंगे आप, जिसमें जो है ये भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये आपको पता होगा। इसका जो क्षेत्रफल है एक नज़र आप इस पर डाल लें, और इसके बाद में जो क्षेत्रफल है ये टोटल पूरे विश्व का जो है ये 2.42% कवर करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप परसेंटेज याद रखेंगे कि लगभग लगभग 2.5% ये कवर करता है। 2.5% का मतलब 2.4
2% ये कवर करता है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में भारत के सबसे बड़े राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान है, सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये गोवा है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े राज्य के बाद में कौन सा राज्य आता है, तो ये इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है और महाराष्ट्र आता है, ये भी आप याद रखेंगे। सिक्वेंस आप याद रखेंगे, राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। और सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो ये गोवा है, और गोवा से बड़े की अगर हम बात करते हैं तो ये सिक्किम है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। तो ये रहा आज का जो है डेटा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, फास्ट ट्रैक मोड पर मैंने सारी चीज़ें कराने की कोशिश की है, और एक बार आप लोग कमेंट कर देना कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली हैं, जानने को मिली हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, 9584 0509 नंबर पे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं UPPET में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस कराया जा रहा है। अगर कोई छात्र AGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एग्रीकल्चर से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है AGT एग्ज़ाम की, तो स्पेशल बैच एग्रीकल्चर का चलाया जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर और UP स्पेशल का PDF आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज से। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।